Hello friends, welcome, how are you? I hope you all are doing good. हम चेक कर रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज अपडेट, ऑलराइट? आप दोनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर? Without much further ado friends, let's get started. Reading friends, timeless है, general है, collective है, but still इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स, इनिशियल्स, जोडियक्स डेफिनेटली मैं यहाँ बताने वाली हूँ. फ्रेंड्स, पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें सो दैट यहाँ मैं आपकी एनर्जीज अच्छे से कैच कर पाऊँ. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन करे. सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के साइड एनर्जीज में आया है सेवन ऑफ फैंस. ऐसा लग रहा है आप अपने रेगुलर कामों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इस कनेक्शन से बाहर निकलकर जिंदगी खुल के जीने की कोशिश कर रहे हैं. बट विद इट आपको फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स की याद परेशान कर रही है. उनके कहे गए कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे आप हर्ट हुए हो या जिनसे आप पिस्ड ऑफ हो, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं. कुछ तो उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा कहा है या ऐसा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हो. वो एनर्जीज आपकी हैं यहाँ पर. फ्रेंड्स, यहाँ पर एरीज लियो सैज की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है. मेरे कई व्यूअर्स की सेक्सुअल एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रांग हैं. ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को सेक्सुअली, रोमांटिकली, फिजिकली बहुत मिस कर रहे हो. वैसे चांसेस भी स्ट्रांग हैं और आपकी सेक्सुअल एनर्जीज इतनी हाई हो रही हैं, इंटीमेसी के पलों पर आप इतने डिपेंडेंट हो गए हो या उनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो कि आपको, वैसे तो आप रोज़मर्रा वाले काम कर रहे हो लेकिन स्टिल आपको बहुत अनईजी फील हो रहा है, आपको रेस्टलेस फील हो रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ या चिड़चिड़ी हो गई हूँ. वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं. आप वैसे तो फटाफट से अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, उनके साथ इमोशनल को तो छोड़ो, आप उनके साथ सेक्सुअल टॉक करना चाहते हो, फ्लर्ट करना चाहते हो, इंटीमेट करना चाहते हो. आज मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज हैं, इमोशंस गए भाड़ में, मुझे बस एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वाइब में हैं मेरे कई व्यूअर्स. आई डोंट नो कितने व्यूअर्स हैं इस वाइब में. अगर आप ऐसी वाइब में हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से हार्ट जरूर सेंड करें. नाइन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप एक डे से, एक नाइट से या दो दिनों से, दो नाइट से सो नहीं पा रहे हो, ओवरनाइट जाग रहे हो, एंग्शियस हो, परेशान हो, आपकी नींद बार बार टूट रही है या आपको बैक एक है या लोअर बैक पेन है, आईज में पेन है, हेडेक है, वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं. आपकी सेक्सुअल एनर्जीज हाई हैं, आप इमोशनली एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हो लेकिन मेंटली जरूर डिस्टर्ब हो रहे हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा. 9/18/27, 7/16/25 नंबर और डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स आपके लिए. जमनाई, लिब्रा, अक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जीज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए. अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चाह रहे हैं. लेट्स चेक. फ्रेंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, जहाँ आप इतने प्रैक्टिकल हो रहे हो, सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एनर्जीज में काफ़ी हाई फील कर रहे हो एंड साथ ही में आप इस कनेक्शन में अब इमोशनल टॉक से ज़्यादा फ्लर्ट एंड रोमांटिक साइकिल को मिस कर रहे हो और वहीं आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं. आपके साथ बिताए गए इमोशनल मोमेंट्स उनको ध्यान आ रहे हैं कि कैसे आप मिलते थे, कैसे आप उनकी केयर करते थे, कैसे आप उनके साथ ढेर सारी बातें करते थे. तो फ्रेंड्स, ये इंसान आपको इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं, आपके इमोशनल जेस्चर्स को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके केयर को मिस कर रहे हैं. आपका इनके लिए कुछ कुक करना, इनको कुछ सर्व करना, इन पर ध्यान देना, इन्हें प्यार करना, ये उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं. पेज ऑफ कप्स, ये आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं. अगर आप लेस कम्युनिकेशन में हो, नो कम्युनिकेशन में हो या बात होती है, तीनों ही सिनारियों में ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं. ये बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज करेंगे एंड हो सकता है कि आप इनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ लव वाइब फील करें. यस, ये इमोशनल हो. एंड द लास्ट कार्ड द टावर, ऐसा भी लग रहा है
कि ये आपको इमोशनली इतने ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि अगर आपने इनकी केयर नहीं करी, इन्हें पैम्पर नहीं किया, इनकी इमोशनल टॉक्स नहीं सुनी या इन्हें अटेंड नहीं करा तो जैसे ये सांस ही नहीं ले पाएंगे, इतना ज़्यादा घुट रहे हैं ये इंसान आपके बिना। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ आपके पर्सन की साइड क्वाइट प्रोमिनेंट है। 6, 15, 24 नंबर्स, 1, 19, 28 10 नंबर्स, 7, 16, 25 नंबर्स और डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं आपके पार्टनर्स के लिए। अब मैं चेक कर रही हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, म्यूचुअली क्या चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे से हेल्दी लेवल से बात करना चाह रहे हैं। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थिंग्स को जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, आई मीन टू से, उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। अपनी प्रीवेसी, अपनी रिस्पेक्ट भी इक्वली इस कनेक्शन में चाह रहे हैं एंड विद इट इस कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं, स्टेबल लाइफ चाह रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही समझ में आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी तो बिगड़ चुकी हैं, जिनको ठीक करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा या फिर एफर्ट्स लगेंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी आ रही है, हो सकता है आप दोनों ही इस जोडियक साइन से डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 7-7 एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बिकॉज वो एंजल्स आपको कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एंड साथ ही में आपके साथ हैं। अब हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन फुल लोन इमोशनल वे से ब्लास्ट होकर आपकी तरफ एक सॉलिड एक्शन लेने वाले हैं। अब वो डिपेंड करता है मेरे व्यूअर्स कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है एंड वो कितनी अपनी डिज़ायर के लिए खुद को रोक सकते हैं। आई मीन टू से, अगर आपको कमिटेड कनेक्शन चाहिए, वेडिंग चाहिए या कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को रोक कर, आई मीन टू से, यू नो, उन चीज़ों पर अटक सकते हैं? और अगर नहीं तो इट डिपेंड्स म्यूचुअली कि आप किस वे से इन्हें आने देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन के इमोशंस इस टाइम ब्लास्ट हो रहे हैं और बाय हार्ट ये इमोशनल वे में आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि यहाँ पर लव कन्फेस करना, आपको हक करके रोना, आपसे ढेर सारी इमोशनल लेवल की टॉक्स करना, आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन लेना, यहाँ पर इनके इमीडिएट नेक्स्ट मूव दिखाई दे रहे हैं। आपको कॉल करना, मैसेज करना, आपको मिलने आ जाना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? एक गाइडेंस का कार्ड चाहिए था और दो दो आ रहे हैं। यूनिवर्स भी कह रहे हैं भर भर के गाइडेंस लो। फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप डेफिनेटली, यू नो, पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिनकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाएं, जाकर ईजिली चेक करें, ईजिली व्हाट्सएप करें एंड अपने स्लॉट, अपने सेशंस, अपनी क्वेश्चन रीडिंग मेरे साथ बुक कराएं। एस ऑफ वैंस द वर्ल्ड की एनर्जीज हैं। डिवाइन आपको कहना चाह रही है आपको खुल के हैप्पीली अपने लाइफ में जीना है, आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और जो हेल्दी और जो अच्छे वे से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं करियर में, प्रपोजल्स में, तो आप उनको डेफिनेटली ग्रैप करें, ठीक है, अवॉइड ना करें। विद इट फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन से भी अगर वो अच्छे वे से आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन्हें सुने, उन्हें समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। विद इट उन्हें ये भी समझाएं कि आप क्या चाहते हैं। विद इट फ्रेंड्स, आप उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपको कहाँ पेन हुआ है, क्यों पेन हुआ है, क्या उन्हें, क्या आपको उन्हें उनका अच्छा लगता है और क्या आपको उनका अच्छा नहीं लगता, ठीक है। किसी भी चीज़ को अंधेरे में ना रखें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही वो चीज़ें होती हैं जो कनेक्शन को टोटली स्पॉइल कर देती हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन और फॉर योर पर्सनल लाइफ। रिलीज द नीड टू बी राइट। ऑल राइट, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। एलिमिनेट गॉसिप, सो स्वीट। रिलिंगेज द नीड टू चेंज अदर्स। सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली वट आई हैव टोल्ड यू।
कि आपको ओपनली और ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करने की नीड है। अपने मन में कुछ नेगेटिव वाइब्स रखेंगे एंड वहाँ कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे तो भी आप ज़्यादा टाइम तक सेटिस्फाइड ना ही रह पाएंगे और ना ही अपने पर्सन को कर पाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। मे गॉड ब्लेस यू। आपको अपने आसपास डॉग्स या कैट्स को फीड करवाना है, कुछ लोग बर्ड्स को भी फीड करा सकते हैं, सो दैट आपकी लाइफ में नेगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेज है वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो उनकी ब्लेसिंग से। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड डे।